श्री सत्य साई बाबा के आदर्शों के अनुरूप तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल की परिकल्पना के संयोजन में विगत 10 वर्षों में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक निःशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं। पोषण, कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी, जनभागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम और साई शोर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में 12 लाख से अधिक तथा विदेशों में 5,000 से अधिक शालेय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है, विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है। जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास 5 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। शिक्षा, श्री सत्य साई गुरुकुलम संस्थान समूह भारत में स्थित 27 परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित 3 परिसरों में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल दिया था। श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर है। इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप से समर्पित, सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण, भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है। विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में 10 चिकित्सालयों और विदेशों में 2 चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित कर रहा है। कर्नाटक के सत्य साई ग्राम में स्थित श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय प्रतिदिन 1,000 से अधिक बाह्य रोगियों को तथा 300 से अधिक आंतरिक रोगियों को उच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना की अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त चिकित्सालय उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक तालुक में 6,000 साई स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबके विकास के उद्देश्य से सक्रिय पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे समस्त परमार्थ कार्य हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है।